एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। नैन ट्रैफिक से किसी तरह निकलकर जल्दी से घर आती है तो देखती है घर में कोई नहीं होता है। वो अपने मॉम डैड को कॉल करती है लेकिन कोई उसका कॉल भी नहीं उठाता है। इधर हान अपने मॉम को लेकर वांग के पुराने घर आता है जहाँ पे पहले हान भी रहा करता था, इसीलिए वो घर के अंदर नहीं जाता है तो चाह उसे जबरदस्ती लेकर आती है जहाँ पे वांग की मॉम होती है। हान अंदर आते ही घर को चारों तरफ देखने लगता है कि तभी उधर से लिटिले आती है और हान को देखकर कहती है, ये मॉन्स्टर आज मेरे घर कैसे आ गया। तो ग्रैंडमा उसे डांटती है और बोलती है, इसे अभी की अभी अंकल कहो। तो लिटिले उसे अंकल कहती है, जिस पर हान उसे इशारों से कहता है अब ठीक है, और वो जानबूझकर लिटिले को बोलता है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब सब यहाँ बैठा होता है कि तभी उधर से लिटिले पानी लेकर आती है और हान को देने के बजाय वो चाको दे देती है। तभी चा लिटिले को गिफ्ट के बदले कुछ पैसे देती है। ये देखकर लिटिले काफी खुश हो जाती है और हान को देखकर उसे अपना पैर दिखाती है। तो हान भी कहां किसी से कम होता है, वो भी अपना पैर दिखाने लगता है कि तभी चा बोलती है, मेरा बेटा हान शादी करने वाला है। हान अपने शादी की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। तो लिटिले कहती है, क्या तुम मेरी सिस्टर नैन से शादी करने वाले हो, तुम अब बूढ़े हो गए हो। ये सुनकर चा लिटिले को कहती है, तुम उसे सिस्टर नहीं बल्कि आंटी कहो। जिस पर लिटिले कहती है, वो मुझसे 10 साल भी बड़ी नहीं है, मैं उसे आंटी कैसे कह सकती हूँ। तभी हान लिटिले को बोलता है, तुम यहाँ कर क्या रही हो, जाके अपना पढ़ाई करो ना, जाओ जल्दी। और सबके कहने पर लिटिले यहाँ से चली जाती है और अपने रूम के अंदर आके अपने डैड वांग को मैसेज करती है कि अंकल हान हमारे घर आए हैं। इधर नैन के मॉम डैड जो ही घर आता है तो नैन उसे देखते ही पूछती है, क्या आप दोनों मेरे लिए हान की फैमिली से मिलने गए थे। तो नैन की मॉम कहती है, तो और किस लिए जाएंगे, वैसे भी हान उतना भी बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। तभी नैन अपने मॉम डैड से हान के बारे में काफी ज्यादा पूछने लगती है। ये सुनते ही दोनों यहाँ से उठकर चला जाता है लेकिन नैन को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। इधर हान वो रूम में आता है जहाँ सब एक साथ रहा करता था और इतने सारे अवार्ड भी जीत कर लाया था। तभी हान एक फोटो को देखता है जिससे उसे अपने पास्ट की बातें याद आता है, जहाँ पे सब मिलकर हान को जबरदस्ती एक झूले पर बैठा देता है लेकिन हान को ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए वो झूले से निकलकर भाग जाता है। ये सोचकर हान काफी इमोशनल हो जाता है और घर को देखते हुए सीढ़ियों के सहारे एक छत के ऊपर आ जाता है। तभी तुरंत उधर से वांग का कॉल आता है और वो हान से कहता है, तुम अभी उसी छत पे हो ना जहाँ हम सब एक साथ बैठकर अपने सपनों को देखा करते थे। ये सब सोचकर हान काफी अपसेट हो जाता है और वो फोन को रख देता है। अब हान अपने क्लब आ जाता है तो देखता है सान आधी रात तक प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी हान उसे बोलता है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। तो सान उठकर हान के पास आता है और कहता है, कल हम वहाँ कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं जहाँ आपने पहली बार चैंपियनशिप जीते थे। तो हान सान को इतना ज्यादा बोलते देख कर कहता है, स्ट्रॉन्ग लोगों के पास बहुत ही कम शब्द होते हैं बोलने के लिए, समझ गए, अब जाके सो जाओ। जिसके बाद हान भी रात में ही अपना पैकिंग कर लेता है और नेक्स्ट डे नैन को अपने साथ ले जाने के लिए उसके घर आता है तो देखता है नैन काफी मुस्कुराते हुए आती है, जिसे देख कर हान कहता है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। तो नैन बोलती है, वो इसलिए कि अब मॉम डैड ने भी तुम्हारे साथ जाने के लिए परमिशन दे दी है, पर ये देखो क्या मैं ये ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले तुम्हारी मॉम से भी मिलने जाना है। तो हान कहता है, हाँ अच्छा है। नैन को इतना ज्यादा बोलते देख कर हान कहता है, तुम हर ड्रेस में खूबसूरत लगती हो। वो नैन को पकड़ कर किस करने लगता है और कहता है, जाके गाड़ी में बैठो। हान जल्दी से नैन को अपने मॉम से मिलवाने लेकर आता है और अपने मॉम से कहता है, आप जल्दी से नैन से बातें कर लीजिए, नहीं तो आपकी नॉर्वे की फ्लाइट छूट जाएगी। जिस पर चा कहती है, तुम चिंता मत करो और जाके बैठो। तभी चा नैन से हाथ मिलाते समय नैन के हाथों में वो नेकलेस को देख लेती है जिसे चा ने खरीदा था, लेकिन हान को पार्सल लेने को कहा था तो हान ने उसे लेकर नैन को दे दिया। तभी हान यहाँ से चला जाता है और ये दोनों वहीं पर बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ पे चा नैन को कहती है, हान की अपनी मॉम बचपन में ही गुजर गई, तब से वो इतना ज्यादा गुस्सेल मिजाज का हो गया, लेकिन वो रिश्तों को काफी ज्यादा अहमियत देता है और वो तुम्हें दिल की गहराई से प्यार भी करता है, इसीलिए जब भी तुम्हारे बीच लड़ाई हो तो कभी उसे छोड़कर मत जाना, वरना तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अब हान भी अपनी टीम को लेकर बीजिंग जा रहा होता है कि तभी वो अचानक से उठकर अपने बैग को निकालकर उसमें से बहुत सारे खाने पीने की चीजें निकालकर वहाँ रखने लगता है और नैन से कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसे खाओ। तभी नैन खाने की एक पैकेट खोलती है लेकिन पीछे से ये सभी देखकर काफी हंस रहा होता है, लेकिन
लेकिन हान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी नैन खा ही रही होती है कि हान नैन को देखकर कहता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? नैन बोलती है नहीं। हान फिर से कहता है, क्या तुम्हें और भूख लगी है? नैन फिर से कहती है नहीं। हान ऊपर देखकर फिर से कहता है, क्या एयर कंडीशनर से बहुत ही ठंड हवा आ रही है? अब नैन कुछ बोली रही होती है कि तभी उसके मुँह का जूठा खाना निकल कर हान के शर्ट पर आ जाता है। तो नैन उसे साफ कर ही रही होती है कि हान कहता है कोई बात नहीं, लेकिन सब काफी हंस रहा होता है। और शान कहता है, बॉस होटल पहुंचते ही अपने शर्ट को धो लेना, कि तभी हान गुस्से से पीछे देखता है कि सभी डर के मारे बैठ जाता है। नैन को खाते देखकर हान अपने आप को काफी जिम्मेदार महसूस करता है। अब सब बीजिंग पहुंच जाता है, जहां पे वांग पहले से ही हान का वेट कर रहा होता है। और वो जैसे ही आता है कि वांग जल्दी से हान के पास आकर कहता है, क्या तुम अपना एक दिन मुझे दे सकते हो? ये सुनते ही रोमी टीम को अपने साथ लेकर चला जाता है और हान और नैन वांग के साथ आता है। यहाँ पे हान और वांग हमेशा अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने आया करता था। अब ये दोनों सामने बैठा होता है और इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वांग को अपने आप पर काबू नहीं रहता है, जिसकी वजह से हान उसे लेकर आता है कि तभी शान भी उसे पकड़ लेता है और बोलता है, बॉस आपने अपने दुश्मन को इतना ज्यादा पिला दिया, अच्छा है ये कल तक नहीं उठेगा। लेकिन हान कोई जवाब नहीं देता है और वांग को बाथरूम लेके आता है। लेकिन वांग अभी भी होश में होता है और बोलता है, सब यहाँ से बाहर जाओ। तो शान और नैन यहाँ से चला जाता है। तभी हान को अपनी बीती हुई बातें याद आता है, जिसकी वजह से वो वांग के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कायर हो, तुमने हमें बीच राह पर ही छोड़ दिया। हान वांग को पानी में गिरा देता है और बोलता है, हम सब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले थे, लेकिन तुमने उसी दिन टीम को तोड़ दिया। मेरा सबसे अच्छे फ्रेंड तुम हुआ करते थे, मैंने कितना अकेला महसूस किया। ये बोलकर हान काफी ज्यादा रोने लगता है कि तभी वांग कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अचानक से पिता बन गया। लेकिन हान काफी ज्यादा रो रहा होता है। उसे रोते देखकर वांग उसे जाके उठाता है और अपने गले से लगा लेता है और दोनों काफी ज्यादा रोता है कि तभी वहां पर एकिंग आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों फिर से रो रहे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तभी दोनों बाहर आता है और फिर से तीनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगता है कि तभी तीनों को याद आता है जब वो पहली बार एक होटल में आया था तो एकिंग काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उस दिन सोलो की टीम नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, जिससे काफी ज्यादा प्राइज के तौर पर पैसा मिला था। तभी रूम के अंदर शान और नैन आ जाता है, जिसे देखकर तीनों रोना बंद कर देता है और हान यहां से चला जाता है। अब हान और नैन एक शॉप में आता है, लेकिन हान काफी ज्यादा पानी में भीग गया होता है, तो नैन उसे वही रोक कर खुद ही शॉप के अंदर आती है। हान इस समय काफी इमोशनल होता है कि तभी नैन एक टावल लेके हान के पास आती है और बोलती है, तुम बहुत भीग गए हो, इसे पोंछ लो। हान बाहर जा रहा होता है कि तभी नैन उसे रोकती है और कहती है, अभी से तुम कोई भी ठंडी चीजें नहीं पियोगे, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं इसे और खरीदने जा रही हूँ। हान नैन को देखता ही रह जाता है। अब हान शॉप के बाहर बैठा होता है कि तभी अंदर से नैन आती है और हान के पास बैठ जाती है और बोलती है, ये गर्म कॉफी जल्दी पी लो। जिसके बाद नैन अपना एटीएम निकालती है और हान को कहती है, इसे अपने पास रखो, इसमें मेरे करीब $1,000 है। जिस पर हान बोलता है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो नैन कहती है, तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर हान नैन को बड़ी ही प्यार से देखने लगता है और अचानक से फिर कुछ ढूंढने लगता है। तो नैन कहती है, क्या तुम कैंडी ढूंढ रहे हो? मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद के लेके आती हूँ। तो हान नैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बैठ जाओ। तो नैन बैठ जाती है कि तभी हान नैन को बड़े ही प्यार से देखते हुए कहता है, तुम्हारा साथ होना ही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर नैन काफी खुश हो जाती है और हान नैन के कंधे पर सर रख देता है। ये समय दोनों के लिए काफी मुश्किल होता है। अब हान नैन को लेकर होटल आता है तो देखता है सब वही बैठा होता है, जिसे देख कर नैन कहती है, ये मैं तुम सबके लिए लाई। नैन सामान को वही टेबल पे रख कर रूम के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हान सबसे कहता है, तुम लोग नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच गए और ये बहुत बड़ी बात है, पर याद रखो सही उम्र में सक्सेस पाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सुनकर सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम जरूर जीतेंगे। तभी हान देखता है तो नैन उसकी बातें को सुन रही होती है, तो वो उठकर रूम के अंदर आता है और नैन से कहता है, तुम मेरी बातें क्यों सुन रही थी? वो जाकर बेड पर बैठ जाता है और नैन से कहता है, कल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पर नैन बोलती है, कल क्यों, आज कहो ना, मुझे अब रात भर नींद नहीं आएगी। तो हान बोलता है, कहा ना कल। वो उठकर जाने लगता है कि तभी नैन उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे बताओ। तभी हान नैन का हाथ छुड़ाकर उसे बड़े ही प्यार से पकड़ लेता है और कहता है, इसके लिए
में सजा मिलेगी। ये दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है कि तभी दरवाजा खोलकर सॉन अंदर आ जाता है, जिसे हॉर्न बड़े ही गुस्से से देखने लगता है। तो सॉन कहता है, बॉस आप जारी रखे, वो यहाँ से चला जाता है। तो हॉर्न नैन को किस करने लगता है, लेकिन नैन तो काफी नर्वस हो रही होती है कि तभी हॉर्न नैन को छोड़ देता है और कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, मुझे सिर्फ अभी एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब। तो नैन कहती है, मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें आज रात भर नींद नहीं आएगी, मैं अपने रूम से लैपटॉप लेके आती हूँ। नैन हॉर्न के रूम से चली जाती है, जिसे देखकर सब कहता है, भाभी जा क्यों रही है, क्या आज दोनों साथ नहीं सोने वाले हैं। नैन अपना लैपटॉप लेके आ रही होती है कि तभी दो लड़का नैन से पूछता है, क्या सीटीएफ के सारे प्लेयर यहीं पे रुके हैं, मुझे केके क्लब के बॉस हॉर्न से मिलना है। तभी नैन उसे हॉर्न के पास लेकर आ जाती है, ये दोनों हॉर्न का फ्रेंड होता है। तभी हॉर्न उसे अंदर लेके आता है और अपने टीम से मिलवाता है और नैन से कहता है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। नैन तो खुशी के मारे कूदते हुए जाकर चेयर पर बैठ जाती है और ये सब अब रोमी के पास आता है। तो रोमी काफी जोर से और जुनून के साथ बोलता है, सब बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें वो सब के बारे में बताने वाला हूँ जिसके साथ तुम्हारा कल मुकाबला होने वाला है। इधर ये दोनों अब हॉर्न से मिलकर अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद हॉर्न नैन के पास आता है तो देखता है नैन टेबल पर ही सो गई होती है। तभी हॉर्न नैन के लैपटॉप में देखता है, जिसपे नैन ने हॉर्न की बहुत सारी फुटेज से उसका एक इमेज बनाई होती है। ये देखकर हॉर्न नैन के सर पर हाथ रखते हुए उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब नैन सो रही होती है कि तभी अलार्म बजता है। हॉर्न भी नैन के साथ ही सोया होता है, वो उठकर अलार्म को बंद कर रहा होता है कि तभी नैन उसे देख लेती है और देखते ही वो हॉर्न को तुरंत धक्के देकर उठ जाती है और अपने कपड़े को देखने लगती है कि इसने रात को मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। तभी हॉर्न भी उठ जाता है और नैन को देखते हुए कहता है, तुमने इतनी सुबह की अलार्म क्यों लगाई, अभी बहुत टाइम है, अगर सोना चाहती हो तो और सो जाओ। जिस पर नैन बोलती है, अब मुझे नींद नहीं आ रही है। तो हॉर्न नैन को देखते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने मेरा फायदा उठाया। ये सुनकर नैन कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। जिस पर हॉर्न झूठ बोलता है कि तुमने ही तो मुझे अपने पास सोने के लिए कहा, तुम भूल गई क्या। वो जान बूझ कर नैन को अपनी बातों में फंसा रहा होता है, लेकिन नैन भी समझ जाती है और वो हॉर्न को पीटते हुए कहती है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। तभी हॉर्न नैन का हाथ पकड़ लेता है और नैन को बेड पर सुलाते हुए कहता है, तुम मेरी हो और आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, फिर इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है। हॉर्न नैन को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और कहता है, एक तुम्ही हो जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की। जिस पर नैन बोलती है, अब फ्यूचर में मैं कभी अलार्म नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर हॉर्न नैन के ऊपर ही सर रखकर सो जाता है और कहता है, रात में 3 बजे सोया हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा और सोने दो। नैन तो काफी खुश हो जाती है कि तभी हॉर्न नैन का हाथ थाम लेता है और ये दोनों वैसे ही सो जाते हैं। और यहाँ बाहर में सब बैठकर हॉर्न का आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी सॉन कहता है, बॉस की आधी शादी हो गई, इसीलिए वो अब तक बाहर नहीं आए। जिस पर वो कहता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी भी 1 मिनट बाकी है। तभी उधर से हॉर्न आ जाता है और पीछे से नैन भी केके का ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखते ही सब चिल्लाने लगता है और बोलता है, भाभी अब आप भी हमारे टीम में शामिल हो गए, इसीलिए आपको हमारे रूल भी अपनाने होंगे। वे सभी एक दूसरे को जीत के लिए बधाई देते हैं, जिसके बाद हॉर्न सबको लेकर रेस्ट रूम में चला जाता है। इधर से एकिंग आ रही होती है, जिसे देखकर रोमी कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो इतनी सच सवर कर। तो एकिंग बोलती है, बेशर्म चुप हो जाओ वरना बहुत पिटोगे, मैं आज पहली बार कमेंट्री करूंगी इसलिए अपना मेकअप करने जा रही हूँ। तो रोमी कहता है, कमेंट्री करते समय अपनी शर्ट की बटन खोल लेना, अगर तुम कुछ गलत भी बोलोगी तो किसी का नजर उस पर नहीं जाएगा। ये सुनते ही हॉर्न रोमी को यहाँ से ले जाता है। इधर एकिंग अपना मेकअप कर रही होती है कि तभी उधर से टेमो आकर कहता है, तुम पहले से इतनी सुंदर हो, अब मेकअप की क्या जरूरत है। जिस पर एकिंग बोलती है, ये लेडीज बाथरूम है, अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुँचोगे। ये सुनते ही वो यहाँ से भाग जाता है। अब एकिंग कमेंट्री करने आती है, जहाँ उसका कमेंट्री पार्टनर भी उस पर लाइन मारता है। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ हॉर्न रोमी और नैन को लेकर आता है और आते ही वांग से हाथ मिलाता है और वहीं पे हॉर्न के ये दोनों फ्रेंड भी बैठा होता है। तभी सारी टीम की एंट्री होती है और एकिंग कमेंट्री करते हुए आती है और बोलती है, आज हम सब नहीं बल्कि ऑडियंस सारी टीम को पॉइंट देगी, उसी के हिसाब से सारे प्लेयर को खेलने दिया जाएगा। खेल में बदलाव देखकर सभी काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है
आता है जहाँ पे सब काफी डरा हुआ होता है, लेकिन एसपी की टीम जीत जाती है और केके की टीम सेकंड नंबर पे आती है। अब सब रात को अनाउंसमेंट के लिए जा रहा होता है कि तभी हान के बहुत सारे फैन हान को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर हान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब सभी स्टेज पे आता है जहाँ पे सभी एक एक करके स्पीच देता है। जब हान की बारी आती है तो उसकी बातें सुनकर सभी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और नैन तो काफी ज्यादा रोने लगती है। और हान जो ही स्टेज से बाहर आता है तो नैन भागते हुए हान के गोद में आ जाती है, जिसे देखकर हान के सारे फ्रेंड हंसने लगता है, लेकिन नैन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। तभी हान नैन को कहता है, नीचे उतरो, सब देख रहा है। तो नैन बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जानते हो तुम कितने महान हो और कितने दिलों पे राज करते हो। वो फिर से हान को हक कर लेती है। तो हान नैन को कहता है, अगर तुम अभी नहीं उतरोगी तो मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगा। ये सुनते ही नैन तुरंत हान की गोद से नीचे उतर जाती है। और इधर वो भी बार बार एकिंग को देख रहा होता है कि तभी हान सबको कहता है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। तभी जाते समय वांग हान को कहता है, लगे रहो। ये बोलकर वो चला जाता है, जिसके बाद हान नैन को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह लेके आता है और अपना रिंग निकाल कर नैन को कहता है, ये रिंग मुझे पहले चैंपियनशिप जीतने पर मिला था, नैन चलो शादी करते हैं। ये सुनकर नैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मेरे मॉम डैड तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, हम शादी कैसे करेंगे। तभी हान तुरंत बोलता है, हमारी फैमिली एक दूसरे से मिल चुके हैं और उन्होंने भी परमिशन दे दिया है। लेकिन नैन काफी नर्वस हो रही होती है, जिसे देखकर हान कहता है, क्या तुम अभी तैयार नहीं हो। नैन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। नैन हान को बोलती है, मुझे आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया, अभी मेरा हाथ कांप रहा है, मैं काफी नर्वस हूँ। कि तभी हान नैन को हक कर लेता है और बोलता है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जिसके बाद हान रिंग को वापस रख लेता है, जिसे देखकर नैन कहती है, तुमने रिंग को वापस क्यों रख लिया, तुमने मुझे अभी प्रपोज किया ना। जिस पर हान कहता है, सॉरी, मैं काफी जल्दबाजी करने लगा, अब जब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई डर या झिझक नहीं रहेगा तब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, अभी चलो खाना खाते हैं। हान नैन को लेकर जा रहा होता है और सोचता है, तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, क्या मुझ में कोई खराबी है या मैंने कुछ गलती किया। हान नैन को लेकर होटल रूम में आता है और नैन को कहता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा फ्रेंड कल चला जाएगा, इसलिए मुझे उसके साथ ड्रिंक पर जाना है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। हान जा ही रहा होता है कि तभी नैन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो। तो हान कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, अच्छा अब मैं जाता हूँ। हान यहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड के पास आता है तो उसके आते ही रोमी कहता है, क्या तुम नैन को अपने साथ प्रपोज करने लेकर गए थे। ये सुनकर हान कोई जवाब नहीं देता है और वहीं पर बैठ जाता है कि तभी वांग हान के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिस पर हान बोलता है, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि वो काफी नर्वस हो गई थी और उसका हाथ भी कांप रहा था, इसलिए मैं उस पर दबाव डालना नहीं चाहता था। ये सुनकर सभी हान को देखने लगता है, जिस पर हान कहता है, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। हान यहाँ से उठकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर भी सब चला आता है और संभा हान को कहता है, तुम एक लड़की को संभाल नहीं सके, मुझे तो अब इसकी मर्दानगी पे शक होने लगी है, कहीं तुम लड़की तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लड़की की तरह लगता है। तभी हान संभा को पकड़ने लगता है और जबरदस्ती सोफे पर गिरा देता है और बोलता है, अपने बॉस से ऐसे बातें करते हो। जिस पर वांग हान को कहता है, ये तुम गलत बोल रहे हो, सब इसे बताओ कि इस घर का बॉस कौन है। जिसके बाद सब मिलकर हान को पकड़ लेता है और संभा हान को कहता है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही क्यूट है, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ। तो हान कहता है, अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो, चलो हम सब कोई गेम खेलते हैं। जिसके बाद सभी डांस करते हुए आता है और एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर जाने लगता है, जैसे ये लोग पहले रहा करता था। यहाँ ये सब मिलकर काफी मस्ती करता है, लेकिन इधर नैन का काफी बुरा हाल होता है, वो काफी रिग्रेट महसूस करती है कि उसने हान को क्यों रिजेक्ट किया। वो अपने मन को बहलाने के लिए गाना गाती है, डांस करती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा होता है। इधर वो 4 बजे सुबह में ही ब्रश करने जा रहा होता है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जाके देखता है तो नैन आई होती है। वो उसे अंदर लेके आता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठा होता है, लेकिन वो को काफी अजीब लगता है कि तभी वो नैन से पूछता है, बात क्या है। तो नैन बोलती है, हान ने मुझे प्रपोज किया पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या इससे पहले भी कोई लड़की हान को रिजेक्ट की है। जिस पर वो कहता है, हान का तुम पहला प्यार हो, तुम्हारे रिजेक्ट करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें प्रपोज
खामोश किया क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इधर ये सब अभी तक बैठा होता है कि तभी कियांग कहता है, समय इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है। तो हान बोलता है, समय ऐसा ही होता है। अब ये दोनों भी वापस जा रहा होता है, जिसे देखकर एकिंग और वांग काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हान वापस अपने होटल रूम में आता है तो देखता है नैन सो रही होती है। वो नैन के पास जाकर बैठ जाता है, तभी नैन उठ जाती है और बोलती है, तुम आ गए। जिस पर हान कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाने चलते हैं। तो नैन कहती है, ठीक है मैं नहा के आती हूँ। वो उठकर जाती है लेकिन अजीब तरह से बिहेव करती है। ये देखकर हान समझ जाता है। नैन बाथरूम में आती है लेकिन उसे काफी शर्म आ रही होती है कि तभी वहाँ पर हान आ जाता है। और ये ड्रामा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।